थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने कहावत सुना होगा कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, तो अगर आप कोई भी नंबर लेते हो 57, 11, 23, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में वन तो हो ही सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी अभी मैंने कहा जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, और खुदा कितना है, सबका मालिक एक। तो जब कोई भी नंबर लिखा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ लेना होता है कि उसमें वन का डिवीजन तो पहले से है ही। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं रिमार्क नंबर 3 पे और एक्सप्लेन करते हैं कुछ नई नई चीजें। अब हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा रिमार्क नंबर 3, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस एन इंटीजर ए कैन बी रिटन एज ए बाई वन। तो ये कहा गया कि एवरी इंटीजर, अभी अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ था, वन से स्टार्ट हुआ था, देन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। उसके बाद हम आते हैं किस पे, होल नंबर पे। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री फोर। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स की क्या कहानी है, कहां से स्टार्ट होता है कि जीरो के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर और उन सभी के साथ उनके अपने अपने करस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर्स। तो ये कहा गया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर के बाद हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्या था, रैशनल नंबर ये था कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर, अब आप कोई भी नंबर चूज करो, एनी इंटीजर, जैसे सपोज करो कोई इंटीजर चूज करने चला गया 52, तो क्वेश्चन ये है कि क्या 52 को p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा हाँ। कैसे, क्योंकि 52 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो इसका जो फॉर्मेट बन के आता है सॉरी दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q। तो इसीलिए कहा गया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस एन इंटीजर ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई वन। तो एक बार हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर कहां से कहां तक था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर में क्या था, होल नंबर की कैटेगरी में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर तो थे ही प्लस जीरो भी था। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमने क्या देखा कि इंटीजर में होल नंबर तो है ही प्लस सारे के सारे नेचुरल नंबर विथ देयर नेगेटिव साइंस सॉरी ये भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा अभी अभी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स तो है ही, उसके साथ के साथ वो सारे के सारे नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू प्रोवाइडेड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो सब भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बाय दिस वेन डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का। तो वी नो दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/2 सॉरी, बिकॉज अगर आप 2/4 को सिंप्लीफाई करो तो आफ्टर कैंसिलेशन ये आपको क्या दे देगा, 1/2। अगर हम 3 से इसको कट करना चाहें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे 3 1 3 एंड 3 2 6, 4/8 को सिंप्लीफाई करें 4 1 4 एंड 4 2 8 एंड सो ऑन। अगर आप देखो तो 15 1 15 15 2 30 16 1 16 16 2 32 144 1 144 एंड 144 2 288। तो जब भी हम इन सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ जाता है, 1/2। इसीलिए इन सभी के सभी रैशनल नंबर्स को कहा गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दीज नंबर्स आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा,
तो फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा एक नंबर 4/7 और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा राइट फोर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 4/7, तो आप क्या करोगे? तो जैसा कि आपने देखा कि उस नंबर का डबल, किसी नंबर का ट्रिपल, उसी नंबर का 4 times, उसी नंबर का 15 times, ये सबके सब इक्विवेलेंट है, तो बस हमें भी करना यही है कि एग्जाम्पल के लिए अगर 4/7 के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स राइट करने हैं तो वी कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ 4/7, 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, तो न्यू नंबर क्या होगा, 4 2 8 एंड 7 2 14, दिस नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू द 4/7, बिकॉज जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे बाई 2 2 4 8 एंड 2 7 14, तो आपको अल्टीमेटली वही नंबर मिल जाने वाला है 4/7। सेकेंड पॉइंट, इसका एक और इक्विवेलेंट नंबर देखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाई 3 एंड बाई 3, तो आ जाएगा रिजल्ट 4 3 12 एंड 7 3 21। इसका थर्ड नंबर देख लेते हैं, तो इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए बताओ भाई निकेत बाबू, किससे मल्टीप्लाई कर ले? 4 से बाई 4, तो अनिकेत जी का कहना है सर 4 से मल्टीप्लाई करिए, आइए देखते हैं 4 4 16 एंड 7 4 28, एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर, वो आपका होमवर्क होगा, आप करके आना कल हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको स्वाइप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड q इज इक्वल टू 0। तो क्या कहा गया कि किसी रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है कि जब p और q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, एंड प्रोवाइडेड q इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं, दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ, तो यहां पे हमारे सामने 4 नंबर्स हैं, एक है 2/4, सेकेंड इज 3/6, फोर्थ इज 4/8, फोर्थ इज 5/10। तो अगर आप इसकी थोड़ा सा एनालिसिस करो ना, तो 2/4 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4। तो थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक कॉमन फैक्टर है, इसका क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 2। अगर हम बात करें 3/6 की, तो आइए देखते हैं 3/6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 × 3 / 2 × 3। तो अब 3/6 के भी क्या है, कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज 3। बात करें 4/8 की, तो 4/8 के लिए भी क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है क्या, 4, क्योंकि 4 न्यूमिनेटर में भी है और 4 डिनोमिनेटर में भी है। देखते हैं 5/10 को, तो यहां पे इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाता है, दैट इज 4। 5/10 की अगर आप बात करें तो इनका जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 5, तो फिर से इस बार जो कॉमन फैक्टर हुआ वो हो गया 5। तो हम ये देख पाते हैं कि हर बार अगर मैं कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देता हूं बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इन सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा दैट विल बी 1/2, और सच ही तो है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है रैशनल नंबर।